2024 की क्या तैयारी है और यूसीसी जिस तरीके से सबसे ज्यादा गहराता जा रहा है मुद्दा, इस पर विपक्ष में ही दो अलग अलग पार्टियों में दरार दिखने लगी है। आम आदमी पार्टी पर अटैक करते हुए कांग्रेस नजर आ रही है, लेकिन इस बीच जिस तरह से पटना में विपक्षी दलों की बैठक हुई और अगली बैठक शिमला में होने वाली है, कैसे देखते हैं? केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, पशुपति पारस जी। क्या कहेंगे, विपक्षी एक साथ हो रहा है, एकजुट हो रहा है, आपको लगता है? कभी संभव नहीं है। देखिए, देश इतना बड़ा देश है और देश में जो स्टेट है, स्टेट का एक अलग अलग पॉलिटिक्स है, खास करके रीजनल पार्टियां जो है उसका अपना अलग पॉलिटिक्स है, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर और लोकल इशूज है उसके नाम पर लोग बटे हुए हैं। अब जैसे आप ममता बनर्जी की बात ले लीजिए, तो उन्होंने कह दिया है कि हम कांग्रेस और CPM को हम बंगाल में आने नहीं देंगे, ठीक है। केजरीवाल जी को ले लीजिए, जहाँ हम लोग दिल्ली में बैठे हुए हैं, उनका भी यही इशूज है कि हमारे खिलाफ में जो अध्यादेश जारी हुआ उसको तमाम विपक्षी दल राज्यसभा में हमारा समर्थन करे, जिसके लिए कांग्रेस ने विरोध किया कि संभव नहीं है। तो तीसरा है तेलंगाना, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका इशूज अलग है और वह खुद उम्मीदवार है, प्रधानमंत्री पद के खुद दावेदार हैं। तो एक देहाती कहावत है कि एक अनार है और 100 बीमार है, प्रधानमंत्री की कुर्सी एक है और दावेदार अनेकों हैं। सब स्टेट के जो जितने भी प्रमुख लोग हैं, अधिकांश लोग प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, जिनके पार्टी का स्ट्रेंथ 10 सांसद का भी नहीं है वो भी प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। तो इस ढंग से विपक्षी एकता संभव नहीं है। और आप देखे होइएगा कि पटना में जो 23 तारीख को विपक्षी एकताओं की बैठक हुई थी, उसमें हम समझते हैं 15 या 16 विपक्षी दल के लोग इकट्ठा हुए थे, 16 इकट्ठा हुए थे और सबका अलग अलग आलाप था। आप जैसे देखिए कि आदरणीय देवगौड़ा जी हैं, देश के पूर्व प्रधानमंत्री जी हैं, वो हम लोगों के साथ हैं, एनडीए के साथ हैं। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं तो वो न्यूट्रल हैं, मायावती जी हैं तो वो न्यूट्रल हैं, चंद्रबाबू नायडू हैं तो वो एनडीए के साथ से आने की तैयारी में है। बिहार में देखिए तो बिहार में हम लोग एनडीए के साथ हैं, हमारी पार्टी शुरू से 2014 से लेके और आज तक वफादार सहयोगी के रूप में हमारी पार्टी है। और मैं घोषणा भी किया हूँ कि मैं जब तक राजनीति में जिंदा रहूँगा मैं एनडीए के साथ रहूँगा। इसी पर दूसरा सवाल है, देखिए सारी कवायद 2024 चुनाव को लेकर है, पिछले चुनाव की बात करें 2019 में तो एक लोक जनशक्ति पार्टी थी जब रामविलास पासवान खुद जीवित थे, लेकिन अब दो गुटों में है, तो क्या आप चाहेंगे कि चिराग पासवान भी एनडीए का हिस्सा बने? देखिए, उस समय हमारी पार्टी एक थी, हमारा परिवार भी एक था और हम तीन भाई थे और तीनों भाई में जो आपस में मेल मिलाप था, आपस में जो प्रेम भाव था, वो पूरा बिहार के लोग जानता है, पूरे देश के लोग जानता है कि हमारे तीनों भाई में क्या प्यार मोहब्बत था। आखिर क्या कारण है कि तीनों भाई में से दो भाई स्वर्गवास हो गए, हमारे छोटे भाई रामचंद्र पासवान जी अब इस दुनिया में नहीं रहे और बड़े भैया भी नहीं रहे। बड़े भैया के जाने के बाद तुरंत पार्टी और परिवार में टूट हो गया। हमारी पार्टी जो पार्लियामेंट्री बोर्ड का बैठक हुआ था उसमें 99% लोग ये कहते थे, हम लोगों का भी डिमांड ये था कि हम एनडीए गठबंधन में चुनाव जीत के आए हैं और हम विधानसभा का चुनाव 2020 का जो चुनाव है हम एनडीए गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा, जिसको चिराग पासवान जी ने नहीं माना। उनको कहीं सपना उपना देखे होंगे कि हम बिहार का मुख्यमंत्री हो जाएंगे, तो उन्होंने डिसीजन लिया कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगा और अकेले चुनाव लड़े और नतीजा हुआ कि पार्टी भी टूटी और परिवार भी टूटा और दिल भी टूट गया। तो इसलिए, और मैं खुद पहले ही कह चुका हूँ कि हम तो एनडीए के पार्ट हैं, चिराग पासवान जी आज तक एनडीए के पार्ट नहीं हैं, कभी वो तेजस्वी यादव से मिलते हैं, कभी लालू जी को अपना नेता मानते हैं, कभी तेजस्वी यादव को अपना छोटा भाई मानते हैं, कभी कहते हैं कि हम राम भक्त हनुमान हैं, चुनाव में देखे हुएगा कि उन्होंने कहा था कि हम भाजपा के हनुमान हैं, लेकिन
हंसना और गाल फुलाना एक साथ नहीं होता है। 2020 के चुनाव में उन्होंने जनता दल यू के खिलाफ भी अपनी लड़ाई लड़ी और भाजपा के खिलाफ भी 6 जगह बिहार में उन्होंने अपना उम्मीदवार दिया, जिसका सबसे बड़ा ज्वलंत उदाहरण है आपको राघोपुर, जहाँ से तेजस्वी यादव चुनाव जीते। दूसरा उदाहरण है लालगंज, तीसरा है भागलपुर, चौथा है हसनपुर। उन्हें लालू यादव जी के परिवार के जो लोग भी चुनाव लड़े उसको इनडायरेक्ट रूप से इन्होंने मदद किया। जी आप आईना दिखा रहे हैं तेजस्वी चिराग पासवान को कि आप कहते हैं कि आप एनडीए के परिवार का हिस्सा हैं, लेकिन आपने तो बीजेपी के खिलाफ भी उम्मीदवार उतारा है, इसका मतलब स्वागत नहीं करेंगे आप? नहीं, स्वागत नहीं, राजनीति में कुछ मजबूरियाँ होती है। तो मैंने कहा है जब मोकामा का चुनाव हो रहा था उपचुनाव विधानसभा का, तो हमारे पास कुछ लोग आए थे एनडीए गठबंधन के कुछ लोग आए थे, तो मैंने कहा कि कतई संभव नहीं है, जब दल टूटता है तो दल जुट जाता है, दिल टूटता है तो दिल नहीं टूटता। तो हमारी पार्टी भी टूट गई, हमारा परिवार भी टूट गया, इसलिए मैं अपने दल में तो मिलाने की बात मैं नहीं कर सकता, लेकिन एनडीए इतनी बड़ी पार्टी है, इतना बड़ा देश है, यदि एनडीए गठबंधन में यदि आना चाहते हैं और एनडीए के भाजपा के लोग यदि स्वीकार करें तो मुझको कोई आपत्ति नहीं है। कोई आपत्ति नहीं एनडीए में आवेंगे तो मुझको कोई आपत्ति नहीं, मैं अपने दल में नहीं लूँगा। हाँ मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ये बात मैं पहले बोल चुका हूँ, लेकिन वो ढुलमुल नीति में है। देखिए बिहार में कुछ लोग हैं, कुछ राजनीतिक दल के जो प्रमुख हैं वो इधर भी देख झांकते हैं उधर भी झांकते हैं, हुलुक बुलुक जिसको कहते हैं देहाती भाषा में हम लोग कहते हैं हुलुक बुलुक करता है। पासवान जी जब जीवित थे तो अपने भाषण में बार बार कहते थे कि रोड पर वही जानवर मरता है जो फैसला नहीं लेता है कि हम बाएँ जाएँ या दाएँ जाएँ। तो बिहार के कुछ लोगों की स्थिति यही है, वो लोग महागठबंधन की तरफ भी बात करते हैं और एनडीए गठबंधन की तरफ भी बात करते हैं, और अंत में यह होगा कि दो सब की गाड़ी खुल जाएगी और अंत में इन लोगों को पैदल जाना पड़ेगा। तो यही बिहार की स्थिति है। मतलब अगर कॉमन मैन के नज़रिए से देखा जाए तो क्या 2024 चुनाव में हम देखेंगे कि चाचा भतीजे का जो मतभेद है वो खत्म हो गया है? देखिए चाचा भतीजे का मतभेद खत्म तो होने का सवाल नहीं, मैंने पहले कह दिया आपको कि हमारी पार्टी टूटी है, पार्टी जुट सकती है लेकिन दिल टूटता है तो दिल नहीं जुटता, मैं पहले कह दिया। रहमन फाटे दूध को मथे न माखन होए, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करे किन कोय। जब बात बिगड़ जाती है, दूध जब फट जाता है तो उससे आप मक्खन खोलिएगा तो मक्खन नहीं मिलेगा। तो इसलिए 2024 नहीं, आप उसको जो भी समझिए, मूल प्रश्न ये है बिहार देश में कि सामने में लोकसभा का चुनाव है 2024 का और एनडीए गठबंधन की सरकार है केंद्र में, बहुत से स्टेट में एनडीए गठबंधन की सरकार है और एनडीए गठबंधन के हम पार्टनर हैं, हम सहयोगी दल हैं और ईमानदार सहयोगी दल हैं। हाँ सर, ईमानदार सहयोगी दल हैं, आप उसको आप जो समझिए, आप ईमानदार सहयोगी दल हैं और देश के जो मुखिया प्रधानमंत्री जी हमारे परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, आप देखिएगा कि आज के तारीख में हम समझते हैं कि आज़ादी के बाद पहला बार देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला जो विश्व स्तर का लीडर हो। आज तक जितने भी प्रधानमंत्री मिले थे अपने देश के नेता माने जाते थे, आज के तारीख में जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो विश्व स्तर के नेता हैं। और आप देखिएगा आज से कुछ दिन पहले जब अमेरिका गए थे, विदेश में गए थे, तो उनका क्या स्वागत हुआ था, सम्मान नेताओं के रूप में उनकी पहचान हुई। अमेरिका जैसे कंट्री के राष्ट्रपति ने कहा कि आप इतने लोकप्रिय हो कि हमारी इच्छा होती है कि आपका ऑटोग्राफ ले लें। दूसरे देश के राष्ट्रपति ने उनको प्रोटोकॉल को तोड़ के पैर छू के प्रणाम किया। तो इस ढंग से आज उनका जो विदेश नीति है उसकी उनके सामने में कोई भी देश का लीडर सक्षम नहीं है। नीतीश कुमार भी नहीं, नीतीश कुमार का घर कहीं स्थान ही नहीं है, उनका कोई स्थान ही नहीं है। दूसरी बात आप देखिए कि गरीबों के प्रति हमारे प्रधानमंत्री जी की जो चाह है, अब जैसे देखिए अभी जब पासवान जी जीवित थे तो उनका जो विभाग था तो उनका नारा था वन नेशन वन राशन कार्ड, आज वो नहीं है लेकिन एनडीए की सरकार ने उस नारा को बरकरार रखा और आज 80 करोड़ लोगों को, 1,40,00,000,000 की आबादी है उसमें 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में हमारी सरकार अनाज मुहैया कर रही है। आप देखे होइएगा कि इस देश में गरीबी के चलते बहुत से हमारे लोग
देश के जो मतदाता हैं बहुत से लोग बीमारी में पैसे के अभाव में उनकी मृत्यु हो जा करती थी। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, वह भी देश का नागरिक है, उसको भी मौलिक अधिकार है जीने का, और उन्होंने स्पेशल व्यवस्था किया और 5 लाख रुपया प्रत्येक साल उस गरीब के इलाज के लिए उन्होंने व्यवस्था किया, उससे करोड़ों लोगों की जान बच गई। तीसरा, आप देखे होइएगा कि पूरे देश में शिक्षा की कमी थी। अब जैसे उसका उदाहरण बिहार ही ले लीजिए, हमारे बिहार में मेडिकल कॉलेजेस की कमी थी, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था। पूरे देश में 200 से अधिक मेडिकल कॉलेजेस प्रधानमंत्री जी के द्वारा स्वीकृत किया गया और खोला जा रहा है। शिक्षा की व्यवस्था आप देखिए, जो बेरोजगार लोग हैं, प्रधानमंत्री जी ने फैसला किया कि नहीं, हमारा जो बेरोजगार नौजवान है हम उसको प्रत्येक वर्ष 10 लाख लोगों को हम नौकरी देंगे, और प्रत्येक साल प्रत्येक माह 70 से 75 हज़ार लोगों को नौकरी दी जा रही है। मैं भी 3-4 फंक्शन में रोजगार मेला में मैं भी गया था और दी जा रही है। उसी तरह से आप देखिएगा जो वृद्ध लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, निसहाय लोग हैं, उनके वृद्धावस्था की पेंशन सरकार ने किया, पानी की सुविधा है, इंदिरा आवास की सुविधा है, यानी चारों तरफ जैसे किसान लोग हमारे हैं तो उनको सब्सिडी देने की व्यवस्था हमारी सरकार ने की। कहने का था कि जो नीचे से लेके गरीब तक, प्रधानमंत्री जी की सोच है कि जो गरीब से गरीब लोग हैं वो भी देश के मुख्य धारा में जुटें। और आप देखिएगा कि शेड्यूल ट्राइब्स का तो रिजर्वेशन हम लोगों का है, शुरू से ही है, और अभी आप देखे होइएगा हमारे पार्टी के संविधान में, पासवान जी जब जीवित थे हमारे पार्टी के संविधान में था कि ऊंची जाति के जो गरीब लोग हैं, जो सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर लोग हैं, वंचित लोग हैं, उनको भी 15% आरक्षण की सुविधा दी जाए, और प्रधानमंत्री जी ने उनकी बात को सुना और आज पूरे देश में जो गरीब लोग हैं, सामाजिक दृष्टिकोण से कमजोर लोग हैं, आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर लोग हैं, ऊंची जाति के गरीब लोगों को भी 10% आरक्षण दिया गया। तो इस ढंग से पूरे देश में आज जो प्रधानमंत्री जी का जो स्टेटस है, जो काम करने का तौर तरीका है और गरीब के प्रति जो रुचि है उनकी, मैं समझता हूँ कि पूरे देश में वैसा कोई लीडर नहीं है। और मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है। लेकिन देखिए, मैं बार बार इस बात का इसलिए भी जिक्र कर रही हूँ क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी का एक बड़ा वोट बैंक है बिहार में अगर देखा जाए तो, और ऐसे में पिछले चुनाव से इस चुनाव में बहुत कुछ बदलाव आ गया है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप दोनों अलग अलग दो गुट हो गए हैं, तो क्या बीजेपी इससे समझौता करेगी कि वो दोनों को एक साथ ना मिला पाए? और पहली बात, दूसरी बात ये कि अगर ऐसी स्थिति बनती है, हाइपोथेटिकली अगर सोचा जाए कि NDA में चिराग को भी शामिल कर लिया जाता है, तो क्या पशुपति पारस NDA का हिस्सा रहेंगे वैसी स्थिति में? अगर भतीजे, आपको पहले बोल चुका हूँ कि मैं जब तक राजनीति में जिंदा रहूँगा मैं NDA का हिस्सा रहूँगा। और दूसरी बात है, दूसरी बात है कि चिराग पासवान जी अलग हुए तो बिहार में 3 चुनाव हुआ। एक तारापुर का उपचुनाव हुआ जो चिराग पासवान के क्षेत्र का, जमुई लोकसभा क्षेत्र का पार्ट है, और एक कुशेश्वर स्थान हुआ जहाँ हम लोगों का ननिहाल है। और दोनों जगह चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवार को NDA के खिलाफ उम्मीदवार उतारा और दोनों जगह उसके उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई। तीसरा, जब विधान परिषद का चुनाव हुआ तो हमारा, हम लोग हाजीपुर के चुनाव लड़ रहे थे तो वहाँ जाकर के उन्होंने घर घर प्रचार किया कि RLJP के उम्मीदवार को वोट नहीं दो, फिर भी वहाँ की जनता ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। तीसरा, पहले मेरी बात सुन लीजिए, तीसरा औरंगाबाद जहाँ सबसे अधिक पासवान मतदाता है, वहाँ चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवार को, अपने उसके जिलाध्यक्ष को उन्होंने उम्मीदवार बनाया और वहाँ उसके उम्मीदवार को कितना वोट आया आपको मालूम है? 19 वोट आया। कोई जनाधार नहीं है, ये सब खाली फोकस है। देखिए, जो फिल्मी हीरो होता है ना, पर्दा पर कुछ बोलता है और पर्दा के बाहर कुछ बोलता है, तो वही स्थिति है। वो NDA गठबंधन में आवे नहीं आवे, उससे NDA गठबंधन को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कितनी सीटें आप चाहेंगे लोकसभा चुनाव में? देखिए, हम विश्वासी गठबंधन है बिहार में, बिहार में हम NDA का हैं, तो पूरे देश में NDA गठबंधन के साथ, लेकिन बिहार में हमारा बहुत बड़ा वजूद है और हम लोग बैठेंगे जब समय आएगा, चुनाव का समय जब आएगा। NDA बड़ी पार्टी है और एकमात्र विश्वासी दल हम ही हैं बिहार में,
अभी तक जो सहयोगी दल में और कोई दल नहीं है, सिर्फ हमारी पार्टी, हम लोग सहयोगी दल हैं। हम लोग बैठेंगे, उनके जो बड़े लीडर्स हैं वो हम लोग बैठेंगे, आपस में जिसका जो हक बनेगा, जहाँ जिसकी अधिक उपयोगी जो उम्मीदवार होगा, जिसके पास वो जैसा सीट मिलेगा हमको, हम लोग बैठ के आपस में तय कर लेंगे। उद्देश्य तो 400 सीट जितना है, देश में सरकार बनानी है। जब देश में सरकार बनानी है तो हम लोग बैठेंगे, बैठ करके तय हो जाएगा जितना सीट हम लोग सम्मानजनक सीट मिलेगा, उस सीट पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। पूछ रही हूँ, सम्मानजनक आंकड़ा क्या है, क्योंकि आपकी, आप कह रहे हैं आपकी विश्वासी पार्टी है और सबसे ज़्यादा विश्वास किसी पार्टी पर है बीजेपी को, तो विशेष तौर पर बिहार में एलजेपी है, ख़ास तौर पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, आपके बयान को ही देख ले तो आप चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिले। बड़े लीडर्स हैं, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी हों, आदरणीय अमित शाह जी हों या आदरणीय जेपी नड्डा जी हों, ये तीनों जो बड़े नेता हैं उनको पता है कि बिहार में हमारी पार्टी का क्या स्टेटस है और हमारी पार्टी का क्या, हम कितना दूरी तक जा सकते हैं। हमारा वोट बैंक जो है, देखिए मेरा वोट बैंक सबसे बड़ी बात विशेषता ये है कि हमारा जो वोट बैंक है वो बिकाऊ नहीं है। इसका उदाहरण 2005 से लेकर आज तक चला है हमारा वोट, और हमारे जैसे पासवान जी जब जीवित थे तो पासवान जी जिधर जाते थे उधर हमारा वोट 100 में 100% मिलता था। आज भी वही स्थिति है, हमारा वोट जो है, हम जिधर जाएंगे, हमारी पार्टी जिधर जाएगी, वो एक वो वोट जो है सो हमारी पार्टी के कहने पर, हमारे नेता हमारे कहने पर NDA गठबंधन को वोट जाएगा। इसलिए हम बैठ के तय तमन्ना हम लोग कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वोट बैंक आपका कौन कौन है और कहाँ कहाँ है, किन किन जगहों पर? वो तो सबको पता है कि मेरा वोट बैंक 7% वोट मेरा है, पूरे बिहार में है और देश में भी अलग अलग स्टेट में अलग अलग है। तो बिहार में तो 2-3 बार सब लोग देख चुके हैं, जब पासवान जी जीवित थे तो उसमें भी देखा गया था और आज भी है। इसीलिए तो लोग कहता था कि पासवान जी मौसम वैज्ञानिक, ये भी लगा था कि पासवान जी मौसम वैज्ञानिक हैं। तो सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हमारा वोट बिकाऊ नहीं है। नहीं, आप लड़ाने की बात मत करिए, वो बात मैं नहीं कर रहा हूँ। हमारा एक ही उद्देश्य है, NDA गठबंधन की सरकार केंद्र में बने, 2/3 बहुमत से NDA गठबंधन की सरकार बने, उसके लिए हम लोग 24 घंटा प्रयत्नरत हैं, तन से मन से, धन तो नहीं है लेकिन तन मन से दिल से हम लोग NDA के साथ हैं और साथ रहेंगे। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। NDA की अगर कोई वफादार पार्टी मानी जाएगी तो वो पशुपति पारस की लोक जनशक्ति, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ही मानी जाएगी बिहार में। और दूसरी बात यह है कि चिराग से दिल कभी नहीं मिलेंगे, भले वो NDA में आए उनका स्वागत करेंगे ज़रूर। ये बड़ा बयान जो इस वक्त पशुपति पारस ने दिया है। इसके अलावा PM की कोई वैकेंसी नहीं है। अपने सहयोगी जितेंद्र कुमार के साथ निधिश्री, ABP News, दिल्ली।